أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت اللهم خذ بيدك मेरे बच्चों आज हम लोग मैथमेटिक्स फिफ्थ क्लास चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू है वो उन तमाम आइडियाज के बारे में हो चुकी है जिनको अप्लाई करके हमने एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करना है। ठीक है जी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारा काम आपको करवाया था, याद होगा आपको। मैंने एडिशन भी करवाई थी टाइम यूनिट्स की और सब्ट्रैक्शन भी करवाई थी टाइम यूनिट्स की आपको, भूलेगा नहीं? No. याद है ना सारा कुछ? Yes. तो अभी हम अपने काम को शुरू करते हैं। और काम क्या है जी? बहुत आसान काम है, एडिशन वाले सवाल है जी। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व का मतलब क्या है? जो मेंशनड ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे एडिशन मेंशनड है तो आपने इसको परफॉर्म करना है, बस। ठीक हो गया? तो शुरू करें भाई। बोलते क्यों नहीं हो? हाँ ना, मुझे आवाज आएगी तो मुझे कोई एनर्जी मिलेगी, फिर मैं शुरू करूंगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर ए, एक्सरसाइज नंबर 3। प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है? Yes. तो लो जी सॉल्यूशन लिखते हैं। गौर से देखिएगा, 3 hours 20 minutes ऐसा ही है। और क्योंकि ऐड करना है, मेरी बात और से सुनना है, क्योंकि ऐड करना है इसलिए जिसको मर्जी ऊपर लिख लो। अगर सब्ट्रैक्शन करनी होती तो फिर क्या करते हैं हम लोग? बड़े को ऊपर लिखते, छोटे को नीचे लिखते। ठीक है ना? तो अब मेरी बात गौर से सुने, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 hours। क्लियर हो गया? और 20 minutes प्लस करना, 5 hours 43 minutes 5 hours 43, 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा और यहाँ मिनट्स आ जाएंगे। प्रॉब्लम किसी को? चलो भाई ऐड करते हैं। 0 + 3 कितना आ गया? 3। 4 + 2 कितना हुआ? 6। और मैंने कल आपको कहा था जो ये लास्ट जो डिजिट आ रहा मिनट के अंदर, जो टेंथ प्लेस डिजिट है, इसका जो आंसर, जैसे 6 आ गया, यहाँ 6 नहीं डालना डायरेक्ट, उस 6 को पकड़ना और 6 पे डिवाइड करना। अब 6 वन था 6, रिमाइंडर क्या आया? ये रिमाइंडर आपने यहाँ पे डालना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और ये जो कोशंट आया है इसको हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे फॉर द एडिशन इन द आवर्स कॉलम। कल मैंने किसका बताया था? सेकंड और मिनट का बताया था। ये अब किसकी बात हो रही है? मिनट और आवर की। आप सबको पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? सो देखो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि हमें पता है जब 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 हमारे पास 60 मिनट्स पूरे हो जाएं तो वो क्या बन जाता है? 1 hour बन जाता है। मेरी बात समझ आ रही? नहीं आ रही? तो इसलिए बच्चे ये जो 6 यहाँ पे टेंथ प्लेस पे 6 बना ना यहाँ पे, असल में वो 60 होता है और 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 1 hour। सो देखो ये 1 हमने यहाँ पे कैरी किया और अब उस 1 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लियर हुआ? Yes. अब 3 + 1 क्या हुआ? 4 + 5 9। यहाँ मिनट डाल दूँ? Yes. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 और यहाँ पे आवर्स। ये आपका आंसर है। कोई मुश्किल है इसमें? No. इंतहा आसान काम है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर बी, सॉल्यूशन। तो 13 minutes 12 seconds। अब ये उस तरह के सवाल आए जो कल हमने किए थे। 13 minutes 12 seconds।
क्लियर है सबको? 15 मिनट्स, 5 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, मिनट्स एंड 19 सेकंड्स, 9 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और यहाँ पे सेकंड्स आ जाएंगे। चलो जी, क्या करना है जी? ऐड करना है। अब खुद बताएं 9 प्लस 2 कितना होता है? 11। 1 यहाँ पे डालेंगे, 1 यहाँ पे डालेंगे, अभी 6 पे डिवाइड नहीं करेंगे। जब यहां से कुछ चीज कैरी होके मिनट्स में जाएगी तब हम क्या करेंगे? इस टेंस प्लेस के लिए हम फिर डिवीजन करते हैं 60 और जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे डालते हैं, क्वेश्चन डाके डालते हैं। 1 प्लस 1 कितना? वो 2। 2 प्लस 1 3 हो गया। अच्छा, अगर 3 को हम डिवाइड करें भी 6 से, गौर से सुनना, 6 0 दा 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 3, क्योंकि 3 तो 6 के टेबल में नहीं आता तो 0 पे जाएगा। सो देयरफॉर अब ये रिमाइंडर 3 ही यहाँ पे आ जाएगा और ये जो आपका क्वेश्चंट है वो तो जीरो है, तो जीरो को कैरी करने की क्या जरूरत है? जीरो को ऐड करो ना करो कोई फर्क पड़ता है? तो कुछ भी हमने कैरी नहीं करना। सो देयरफॉर अब यहाँ पे हम सेकंड्स डाल देंगे और यहाँ पे मिनट्स आ जाएंगे। प्रॉब्लम किसी को? आगे चलें। अच्छा, 3 प्लस 5 8 और 1 प्लस 1 28 मिनट्स एंड 31 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर सी और वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। बहुत मजे का सवाल है। 33 इयर्स 8 मंथ्स, 33 इयर्स 8 मंथ्स, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और उसके बाद क्या है? 40 इयर्स, 0 डालेंगे, 4 डालेंगे, 7 इयर्स लिख देंगे। और उसके बाद क्या आ रहा है? 11 मंथ्स। यहाँ 1 आ जाएगा, 8 के नीचे 1 आ जाएगा और ये 1 आगे लिख देंगे हम लोग, ठीक है? क्या यहाँ पे 11 से ज्यादा भी मंथ्स आ सकते हैं? जैसे ये 12 बनेगा तो वो तो ईयर में 1 ऐड हो जाएगा, बात नहीं समझे? जैसे ये 12 बनेगा तो ईयर में 1 ऐड हो जाएगा, 12 मंथ्स मीन 1 ईयर, तो यहाँ पे तो फिर 0 आ जाएगा। जैसे घड़ी के ऊपर जब ये बजते हैं, देखो मेरी बात सुनो, घड़ी के ऊपर जब 59 मिनट्स होते हैं, इसके बाद कभी 60 मिनट्स लिखे हुए हैं घड़ी पे? ये 00 होता है और यहाँ पे 1 आवर में 1 ऐड हो जाता है, ऐसा होता नहीं होता। इसी तरह मंथ्स में कभी यहाँ पे आप 12 नहीं देखेंगे, 11 ही रहेगा। जैसे 12 हो जाएगा मंथ तो इसका मतलब 1 ईयर, तो यहाँ 00 आ जाएगा और इसमें 1 ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो जी जनाब जी, हाँ ऊपर 0 डाल देंगे, यहाँ पे आप 0 डाल देंगे ऊपर, क्योंकि टेंथ प्लेस पे 8 मंथ्स में कुछ भी नहीं है, सो देयरफॉर वहां पे क्या है? 0। अब बेटा हम इसको ऐड करें, 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9। डालो 9 और 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1। क्लियर हुआ बेटा? अब ये जो आंसर यहाँ पे आया ना, यहाँ पे जो आंसर आया इसको आपने पकड़ना है और 12 पे डिवाइड करना है। किस पे? पूरे आंसर को। समझ आया नहीं यार? इस सारे आंसर को पकड़ना है और किस पे डिवाइड करना है? 12 पे। अब देखो 12 के टेबल में 19 नहीं आता ना, पक्का? सब मानते हो? तो 12 वन द 12 वन द 12, 9 में से 2 के आंसर कितना आ गया? 7। बेटा ये रिमाइंडर है और ये क्वेश्चन है, समझ आई मेरी बात की? अब ये जो रिमाइंडर है ना, इस 19 की जगह पे आपने ये 7 डालना, क्योंकि हमें ये बताया कि 12 मंथ्स मींस 1 ईयर, ऐसा है या नहीं है? तो ये देख रहे हैं 19 तो 12 से बड़ा था, अगर 12 भी आता तो हम यहां पे 00 डाल दें। तो यहाँ पे आपने वो सेकंड्स और मिनट्स और वाला काम नहीं करना, यहाँ पे जो टोटल आंसर आ जाए ना आपका मंथ्स का, ठीक है, आपने उसको 12 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? और जो रिमाइंडर आए उसको यहाँ पे लिखना है, जैसे 7 आ गया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 आया इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे। प्रॉब्लम है किसी को? अगर मेरी बात आप सबको समझ नहीं आई दोबारा पूछ लो। देखो मैंने यहाँ पे देखो 0 प्लस 1, मैंने 1 को डिवाइड नहीं किया अभी, मिनट्स और सेकंड्स में हम क्या करते थे? इसको 6 से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर आता था सिर्फ इसको, आगे वाले को। किसको? आगे वाले को, इसको। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सिर्फ इसको हम किससे डिवाइड करते थे? 6 से डिवाइड करते थे, ऐसा है या नहीं? क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना, आपने मंथ्स को ऐड करना, टोटल मंथ्स निकालने हैं, टोटल मंथ्स
जब आ जाए उसको आपने 12 से डिवाइड करना है, जो आंसर यहां पे आए ना उसको पकड़ना है और 12 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आए वो यहां पे लिखना है। कहां पे? यहां पे। और जो क्वेश्चन आए उसको यहां पे आगे जाके इयर्स में ऐड कर देना। जो मर्जी आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटा आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहां पूरे आंसर को डिवाइड करना आपने 12 से, सिर्फ 12 से। वहां हम क्या करते थे, यहां हम क्या करते थे, सिर्फ गौर से सुनो, ये जो डिजिट आता है ये वाला डिजिट, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 6 से डिवाइड कर रहे थे, ऐसा ही है ना, इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहां पे क्या है, क्योंकि बेटा हमें ये पता है, मेरी बात गौर से सुनना, हमें ये पता है कि जो एक ईयर होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं। अब डिवीजन असल में 6 से नहीं हो रही, 6 क्योंकि एक डिजिट है, 6 क्या है, तो एक डिजिट से हम एक डिजिट को डिवाइड कर लेते थे लास्ट वाले को। अब क्योंकि 12 जो है वो दो डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। जो यहां आंसर आए पहले वो कैलकुलेट करो, फिर उसको 12 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए वो यहां लिख दो, और जो क्वेश्चन आए उसको कहां ले जाओ, यहां आगे ले जाओ। क्लियर हुआ? अब यहां पे मैं ईयर्स डालता हूं, यहां मंथ्स लिखूंगा, यहां पे मैं ईयर्स लिखूंगा। प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है ना? अब 3+1 क्या हुआ, 4, 4+0 4 ही रहेगा, 4+3 पक्का, तो बेटा 74 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, 74 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। अगर मैं ये डाल देता 74 ईयर्स एंड 19 मंथ्स तो जवाब क्या होता, ठीक है ना, समझो ना कि 12 मंथ्स का मतलब क्या होता, 1 ईयर। अब मैं यहां पे 19 मंथ्स डाल के बैठा हूं, जो कि 12 से क्या है, बड़ा है, 12 से बड़ा है। यहां पे 12 भी नहीं आ सकता, 12 से बड़ा नंबर भी यहां पे नहीं आ सकता। अगर आ गया तो हम आगे 1 ईयर में उसको ऐड करेंगे एज ए 1। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इस चीज को समझो, आंसर आ जाएगा, आंसर को छोड़ो, असल चीज जो समझ नहीं किया उसको समझो। क्या आपने क्या करना है, ये जो यहां पे टोटल आपका मंथ्स का आंसर आया, मंथ्स का, उसको क्या करना, आपने 12 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा वो यहां पे डालना, और जो क्वेश्चन होगा उसको ईयर के कॉलम में जाके ऐड कर देना। प्रॉब्लम किसी को? गुड, हो गया। तो पार्ट सी हो गया, और मैं इस पे VIP भी लिख देता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए। आइडिया मिल गया ना? अब डी पार्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसका पार्ट नंबर डी, सॉल्यूशन। टू वीक्स एंड थ्री डेज प्लस 8 वीक्स 1 डे, और उसके साथ क्या है, 3 डेज, 8 वीक्स 1 डे, और उसके बाद क्या है जी, 8 वीक्स एंड 1 डे, तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड ही करना था ना, मसला तो किसी को नहीं है। अब देखो पहले मेरी बात गौर से सुनो, डेज हैं यहाँ पे, तो डेज ही आ जाएंगे, 3+1 कितना हुआ, 4। अब मुझे ये बताओ कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे, किससे, तो 4 को अंदर रखेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे, 7 पे। अब 7 के टेबल में 4 आता ही नहीं है, 7 0 था 0, और रिमाइंडर में 4 आ जाएगा, और यही जो रिमाइंडर में 4 आया इसको हम कहां लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे। क्लियर हो गया सबको? और ये जो 0 में 0 आपका क्वेश्चन आया, इसको हम आगे जाके ऐड करेंगे भी तो क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। 8+2 कितना होता है, 10, ये आपका आंसर, 10 वीक्स एंड 4 डेज। क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर ए, सॉल्यूशन। अब पार्ट नंबर ई जो है उसके अंदर 117 मंथ्स को ऐड करना, कितने मंथ्स में, 7 मंथ्स में, सुन रहे हो, तो 117 मंथ्स को ऐड करना कितने, 7 मंथ्स में, 7 यहां पे आ जाएगा और मंथ्स
ऐड करते हैं, 7 + 7 कितना हो गया? मंथ्स लिखेंगे एज इट इज नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे 14 था ना, यहाँ पे बेशक 0 0 डाल दो। 1 + 1 कितना हो गया? 2 और 1, 124 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर F, सॉल्यूशन। 8 मंथ्स एंड 12 डेज, 12 days. आगे चले? उसके बाद क्या? 2 months, 14 days. उसके बाद 2 months and 14 days. 2 months, 14 days. प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है? गौर से सुनते जाओ, ऐड करना इन दोनों। डेज एज इट इज नीचे आ जाएगा, 4 + 2 कितना हुआ? 6. मसला है किसी को? पक्का? 1 + 1 कितना हुआ? बेटा अब डेज से मंथ्स में जाने के लिए गौर से सुन लो, मैंने आपको वीक से जाने में बताया 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? मैंने मंथ से ईयर में जाने में बताया 12 से टोटल आंसर को डिवाइड करते हैं। जब डेज से मंथ्स में जाएंगे, पहले मुझे ये बताओ, 1 month जो होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 30 days. ये 0 हो गया ना, 1 0 0 हो गया ना, लिहाजा इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पता क्या करना, 3 से ये जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 1 + 1 2 हुआ, इस 2 को आपने किससे डिवाइड करना है? 3 से। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो देखो 3 का टेबल में तो 2 नहीं आता, तो 3 0 था, 0 रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अब हम यहाँ पे 2 ही डालेंगे, और ये 0 अगर यहाँ पे कोई नंबर होता हम आगे जाके इसमें ऐड करते, यहाँ पे क्योंकि नंबर कोई नहीं आया, फलादा हम 0 को भी आगे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये रिमाइंडर है, ये तो यहाँ पे जाएगा, और मैंने पहले भी आपको कई दफा बताया ये क्वेश्चन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके ऐड होगा एज अ कैरी, हम इसको आगे लेके जाएंगे। क्लियर हो गया? सुन रहे हो? मंथ्स आ जाएंगे एज इट इज, और 8 + 2 कितना हुआ? सो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। जिंदाबाद।